शनि राशि परिवर्तन के साथ हुई 2023 की शुरुआत। 15 दिनों के भीतर शनि से जुड़े दो परिवर्तन। अब 3 फरवरी को कुंभ में शनि होंगे अस्त, फिर 3 मार्च को कुंभ में शनि होंगे उदित। 12 राशियों को अस्त शनि देंगे कैसा परिणाम, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्मज्ञान से एक बार फिर मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन दर्शकों, धर्मज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमन। कर्णफलदाता शनि के महाराशि परिवर्तन के साथ देखिए 2023 की शुरुआत हो चुकी है और अब 15 दिनों के भीतर भीतर शनि अस्त भी होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 फरवरी को कुंभ राशि में शनि अस्त हो जाएंगे और 3 मार्च तक अपनी इसी अवस्था में रहेंगे। और शनि का अस्त होना, जी हाँ, महाराशि परिवर्तन के बाद शनि का अस्त होना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, खासकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि की यही अस्त अवस्था आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ पर कैसा प्रभाव डालेगी, जानेंगे आज हम आचार्य जी से। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। देखिए कविता जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि महापरिवर्तन, महापरिवर्तन होते ही कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए भी महापरिवर्तन हो चुका, क्योंकि वह ढैया के प्रभाव में आ चुके हैं। ढैया के प्रभाव में आने के बाद ही लगभग यह 15 दिनों के अंदर ही फिर तुरंत यह आ जाएगा, 15 दिन के बाद ही यह परिवर्तन, और इसमें शनि अस्त हो जा रहे हैं। और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, कह लीजिए कि उसका निर्जीव प्रभाव उस समय रहता है। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए अगर ग्रही स्थिति की चर्चा करेंगे तो अष्टम भाव में उनके शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। शनि और शुक्र मित्रवत हैं, कुंभ राशि में वहीं पर बैठे हुए हैं। जिस दिन यह अस्त हो रहे हैं उस दिन की यह कुंडली है, और चंद्र कुंडली के अनुसार अगर देखें तो चंद्रमा जो है वह मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, केतु जो है कर्क लग्न और कर्क राशि से चतुर्थ भाव में उनके शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। तो यह स्थिति जो है, और राहु दशम भाव में और गुरु जो है वह नवम भाव भाग्य स्थान पर है, तो यह स्थितियां दर्शाती हैं कि इनके लिए शनि जो है वह अष्टम भाव में, अष्टम का शनि हमेशा पीड़ित रहता है और पीड़ा देता है। तो इनके लिए अगर व्यक्तिगत चर्चा करें तो कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए कुछ हद तक अस्त होना इनके लिए इस ढैया के प्रभाव में भी शुभ फलदायी रहेगा। कुछ हल्का सा इसमें इनको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अष्टम में है, तो कुछ जगहों पर इनको प्रभावित करेगा नकारात्मक में भी, लेकिन ज़्यादातर इनको प्रभाव शुभता में ही मिलने वाला है। कविता जी, चलिए, ये तो आपने बताया कि एक तो देखिए ढैया लग चुकी है, ऊपर से शनि भी अस्त हो रहे हैं, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर, स्वास्थ्य पर शनि अस्त कैसा असर डालेंगे। देखिए शनि अस्त का जो प्रभाव है, शनिदेव जो है अष्टम में और बुध देव जो हैं वह जो है षष्टम भाव में इनके बैठे हुए, इनके लग्न से, इनकी राशि से देखते हैं तो इनके लिए स्वास्थ्य के कारणों में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेंगे। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखेगा लेकिन वह छोटी बहुत चीज़ें रहेंगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी पीड़ा मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन क्योंकि बुध देव जो हैं वह षष्टम भाव में हैं तो इसको हम स्वास्थ्य से ही संबंधित जोड़ सकते हैं कि हो सकता है कि मानसिक रूप से वाणी भाव पीड़ित होने की वजह से मानसिक रूप से आपको पीड़ा मिले, प्रताड़ना मिले, बाकी स्वास्थ्य पीड़ा का चांसेस यहाँ पे बहुत कम है। स्वास्थ्य लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में शुभता के संकेत दे रहे हैं शनिदेव के अस्त होने के प्रभाव में। अब जो कि देखिए ढैया में रिश्तों में तनाव भी देखने को मिलता है, लेकिन क्या यही ढैया और शनि जब अस्त हो रहे हों तो क्या आपके रिश्तों पर असर डालेंगे, क्या कहता है आपका प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन। देखिए कविता जी, अगर कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए जातकों आप ध्यान देंगे तो अगर कर्क लग्न से देखा जाए, कर्क राशि से, तो सप्तम भाव जो है वह भी शनि का ही स्थान है, यानी कि मकर का घर है वह, और वहाँ पर सूर्य देव शुरुआती समय में बैठे रहेंगे और 13 फरवरी के बाद यह परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन वह भी जाके शनि के घर में बैठ जाएंगे, फिर से शनि के साथ युति ले लेंगे। तो इस पूरे अस्त समय में जो है वह कह लें कि शनिदेव का जो प्रभाव है, क्योंकि कहते हैं जब क्रूर ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव क्रूरता कम हो जाती है, और शुभ ग्रह जब अस्त होता है तो उसका जो क्रूर वह शुभता है वह उसमें कमी आ जाती है, तो शनिदेव का प्रभाव यहाँ वैसे भी कम हो जाएगा। नहीं तो इस ढैया के प्रभाव में
प्रबल पीड़ा इनको मिलेगी और मिल रही है इस गोचर महापरिवर्तन के बाद। पीड़ा मिल भी रही है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं इनके रिश्तों में, लेकिन यह अस्त का समय इनके संबंधों को बल देने का, या कहिए कि टूटने से बचाने के लिए एक बीच बीच में जो बूस्टर आता है ना, वह बूस्टर इनको मिल रहा है लगभग एक महीने के लिए शनिदेव का, कि इनको ताकत इनके रिश्ते को फिर मिल जाएगी, फिर आगे एक साल तक लड़ने के लिए या नोकझोंक करके मुस्कुरा के आगे बढ़ने के लिए। कविता जी चलिए उम्मीद करते हैं कि यही हो। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि काम कारोबार पर देखिए इसका कितना असर पड़ने वाला है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपना, तो क्या आने वाला ये समय आपका, ये 28 दिन कैसे रहेंगे? देखिए, नौकरी व्यवसाय कारोबार क्षेत्र के लिए अगर चर्चा हो इस शनि अस्त प्रभाव की, तो वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। उसका एक मुख्य कारण है कविता जी, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए दशम भाव कर्म स्थान जो है दशकों, वहाँ पर राहु विराजमान है और मंगल का स्थान है। और हम सब जानते हैं कि राहु केतु जो है वह शनि प्रभाव में रहते हैं। जब शनि अस्त होंगे, शनि का प्रभाव कम होगा, तो जाहिर सी बात है राहु और ज़्यादा बलवान होगा। तो ऐसी स्थितियों में नौकरी व्यवसाय में भ्रम देकर, मानसिक कंफ्यूजन देकर, यह आपको गलत दिशा में ले जाएंगे और इस समय कुछ ऐसी गलत संगति के शिकार होंगे आप, जहां पर धन का व्यर्थ व्यय होगा, परेशानी बढ़ेगी, मानसिक रूप से आप उलझेंगे और व्यवसाय में, कर्म क्षेत्र में आपको लॉस उठाना पड़ेगा। कविता जी चलिए, ये तो बात की आपने इनके काम कारोबार पर, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोर्ट कचहरी के मामलों से, जो कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, उनके लिए ये समय कैसा रहेगा? देखिए, कोर्ट कचहरी के लिए भी जो कारक तत्व हैं वह मंगल, शनि और राहु ही हैं। राहु का प्रभाव जब आता है तो यह नकारात्मक देता है, जेल कारावास करा देता है। शनि का प्रभाव मंगल के साथ वह जो है वह लीगल कार्रवाई में ढकेलता है। तो मंगल के घर में राहु बैठे हुए हैं, शनि अस्त होंगे और शनि जो हैं वह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी के विषय में आपके लिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों तनाव देने वाला समय रहेगा। शनिदेव अस्त होंगे, इस बीच आप कोई नए वाद विवाद मत करिएगा। दूसरी चीज कि अगर कोई कानूनी वाद विवाद चल रहा है और उसकी संभावनाएं बन रही हैं कविता जी, कि कोर्ट से, थाने से बाहर आकर आप समझौता कर सकते हैं, तो प्रफुल्लित होकर करिएगा, झुक जाइएगा, लेकिन उलझिएगा नहीं, क्योंकि इस बीच अगर शनि अस्त के समय में आप उलझे तो कारावास तक करा देगा यह शनि का अस्त प्रभाव, क्योंकि राहु बलवान रहेगा, मंगल के घर में है, तो जाहिर सी बात अंगारक प्रभाव में रहेगा ही रहेगा। उलझना महंगा पड़ जाएगा, कितने भी आप ताकतवर हो तो हो सकता है कि आपकी ताकत और पैसे को भी यह दबा दे। ग्रही प्रभाव कहते हैं कि ग्रहों से बलवान कोई है नहीं। बिल्कुल, ग्रहों से बलवान कोई नहीं, और यही ग्रह जब अस्त होते हैं तो देखिए आपके आर्थिक पक्ष पे भी बहुत बड़ा असर डालते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं। क्या लगता है इनका आर्थिक पक्ष इन 28 दिनों में कैसा रहेगा? देखिए, काम कारोबार के लिए थोड़ा सा चीज़ें उठा पटक वाली हैं, बाकी तो शुभता मिल रही है, लेकिन उठा पटक की वजह से आर्थिक पहलू जो है वह जाहिर सी बात है प्रभावित होगा। इस समय पुराने समय से संचयन किया हुआ, भंडारण किया हुआ, बचाया हुआ धन खर्च होगा और आर्थिक जो कोष है वह कमजोर होगा, यानी कि आपका जो धन कोष है वह कमजोर होगा, उस घड़े में से निकाल कर हो सकता है खर्च करना पड़े, तो थोड़ा सा पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा और फिजूल की चीज़ों पर इस समय में 3 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक थोड़ा सा अपने आप को संयमित कर लीजिएगा, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। जाते जाते शनि से जुड़े उपाय जानना। देखिए, कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जो हैं वो चंद्रमा प्रभाव में रहते हैं, और चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं, यानी कि शिव के ब्रह्म स्थान पर विराजमान होते हैं, तो इनके लिए सबसे अच्छा है शिव को प्रसन्न करना। शिव को प्रसन्न करना अगर हो सके तो इस बीच एक बार आप रुद्र अष्टाध्यायी से अभिषेक जरूर कराइए, अभिषेक भी कच्चे दूध से, और नहीं हो सके, इतना लंबा प्रावधान ना हो सके, ब्राह्मण को ना बुला सकें या समय ना मिल पाए, तो कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, ले जा कर के ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप के साथ मानसिक जाप करिएगा और शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा, यह आपके लिए अद्भुत चमत्कारी रहेगा। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।